रिपोर्ट मानवता की सेवा में लगे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के अभियान की। राज्य सरकार के भवन निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक गंगा कुमार बिहार और राज्य से बाहर लोगों में कैंसर से लड़ने के लिए अभियान चला रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ मिलकर श्री कुमार ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन जीएसएफ के माध्यम से गांव-गांव में जाकर लोगों को इस जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उससे लड़ने का बल दे रहे हैं। श्री कुमार ने बताया कि उनका एनजीओ पूरी तरह लोगों को जागरूक करने और मुफ्त चिकित्सीय सहायता देने पर ध्यान केंद्रित करता है। ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन एक संस्था है जो 2009 में जिसकी स्थापना की गई थी। इसके द्वारा जन जन मानस तक कैंसर से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाता है। गांव के लोग जो अगर इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं और या उनको कैंसर से संबंधित किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो हमारा एक नेशनल कैंसर हेल्पलाइन है जो टोल फ्री है, उसका नंबर कृपया नोट कर सकते हैं 1800-3456-265। एक बार और नोट कर लें 1800-3456-265। ये संस्था बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, यूपी और भी कई जगहों पे काम करती है। श्री कुमार ने बताया कि वे और उनकी पत्नी स्नेहमयी राउतरे मिलकर गांव में हेल्थ कैंप और फ्री चेकअप शिविर लगाते हैं। इसके द्वारा न केवल कैंसर बल्कि अन्य सभी बीमारियों के बारे में समय रहते पुनरुक्ति जानकारी उपलब्ध कराया जाता है। गांव-गांव में इसके द्वारा कैंप लगाया जाता है और विगत 6 वर्षों से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ईश्वर का विधान ऐसा हुआ कि 2014 में हमारी धर्मपत्नी स्नेहमयी राउतरे को कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर। उस समय से हम लोगों का 2 साल से विगत 2 वर्षों में जो हमने कष्ट देखा और जिस तरह के आदमी मानसिक परफॉर्मेंस लोगों को गुजरना पड़ता है, इस तरह का डिमोटिवेशन लाइफ में होता है, उसको देखकर मैं और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि अब बचे हुए समय में जो भी अगर जो हम लोग पूर्ण रूपेण इस पे ध्यान देंगे, कैंसर जागरूकता अभियान गांव-गांव में चलाएंगे, कैंसर का कैसे इलाज हो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग विगत 2 वर्षों से केवल एंड केवल बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, एनसीआर, यूपी से गांव-गांव में जाकर कैंसर जागरूकता अभियान एवं कैंसर डिटेक्शन कैंप चलाते हैं। इस कैंप में 10-12 डॉक्टर्स, कैंसर स्पेशलिस्ट, फिर विभिन्न प्रकार के जो कैंसर के जो प्राइमरी स्टेज पे जो टेस्ट होते हैं जैसे पैप स्मियर टेस्ट होता है, एफएमएसी टेस्ट होता है, ताकि कैंसर को स्टेज 1 और स्टेज 2 पर पकड़ा जा सके। 1 और 2 जिस स्टेज पे आपको शरीर में दर्द नहीं होगा, आपको केवल लक्षणों से इस बीमारी को पकड़ना है। अगर आप स्टेज 1 और 2 पे अगर आप उस समय में पकड़ लेंगे तो ये ब्लड प्रेशर और शुगर से ज्यादा अच्छी बीमारी है। और अगर स्टेज 3 और 4 जहां पे दर्द होता है शरीर में, तब आप उसको सिम्टम से पकड़ते हैं, उस समय तक काफी देर हो चुका होता है। उस समय सर्वाइवल रेट जो होता है जीवित रहने की दर 20% से कम जाती है।